जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शबली जी। रब एक जय साईं जी। 786 एस ए ऑफिशियल चैनल ते सारयां दा स्वागत है, निका सलाम है। चैनल ते पहली बारी आए हो तो सबसक्राइब बाबे कर लियो, बैल आइकन दबा लियो। जय साईं जी दी। अज मालक दा नाम लेंदे हुए बाबा जी कुछ गल्लां ऐसी करनियां कि कई बारी बंदा ये सोचता है कि यार ओ की कर रहा है, ओ मेरे नाल की कर रहा है, मेरे बारे की कह रहा है। हुण किसे नूं असीं चंगे लगदे होवांगे, किसे नूं लगदे होवांगे बुरे, किसे ने सानू वेख के गुस्सा करना है और किसे नूं हुंदी है खुशी। पर जिंदगी च इंसान नूं हर एक फकीर ने शांत रहण दा उपदेश दिता है, सबर रखण दा उपदेश दिता है। आखिर क्यों ये साईं लोग फरमाते हैं कि जिंदगी एक चीज जरूरी है, वह है निर्वाण। निर्वाण कहते हैं कामनेस, शांति, पूर्ण शांति। कहते जे होना ही है ना जिंदगी कुछ तो शांत हो जाओ, क्योंकि शांत होना ही इंसान की जिंदगी सफलता वाल लैके जाता है, कामयाबी वाल लैके जाता है, खुशियां वाल लैके जाता है, दुखा तो सुखा वाल लैके जाता है। शांतपन बहुत वड्डा राह है शांत, जिन्हों आख्या जाता है निर्वाण आख्या जाता है। किसी ने कहता कि तू करूप है, मतलब तू भद्दा है, सोहना नहीं है। किसी ने कहता तू सोहना है, किसी ने तेनू गाला कढ़निया है, किसी ने तेनू प्यार करना है। हर इंसान जो अपने अंदर रखी बैठा है ना, उस तरह उन्हें तुहानू समझना है। हुण जिहड़ा विचारा गाला कढ़दा है ना, वो अंदरों ही बेचारा क्रोध नाल भरिया होया, वो जिंदगी तो वैसे ही नरक बनी, क्योंकि जिहड़ा क्रोध है ना वो बंदे नूं अंदरों ही खराब कर रहा है। बाहर तक ही वो अंदरों दुनिया उहदी जिंदगी अंदरों ही खराब हो रही है। क्रोध इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि किसी ने क्रोध किया। कहिंदे जे किसी ने क्रोध किया तो फकीर कहिंदे वह मूर्ख है। बस इसे गल नूं याद रखना है कि जिहड़ा इंसान पूर्ण शांति तक पहुंच जाता है ना, वह सियाणा है, तो जिहड़ा नहीं कहिंदे वह मूर्ख है। इस गल नूं स्वीकार करो। जे किसी नूं असीं भले लगते हाँ तां वी ठीक है, जे किसी नूं असीं बुरे लगते हाँ तां वी ठीक है। इहदे ते ज़्यादा सोचण की लोड़ नहीं है, ज़्यादा ध्यान लगाउण की लोड़ नहीं है, इस ते बिल्कुल भी अपनी नज़र रखन की लोड़ नहीं है कि कौन की कह रहा है। इस बारे सोचण की सानू लोड़ नहीं है, क्योंकि जो होण वास्ते है ना वो है निर्वाण, पूर्ण शांति। इंसान नू अपनी सारी ताकत नू, साईं लोग फरमाते हैं कि एक शख्स नू इंसान नू अपनी सारी ताकत लानी चाहिए है पूर्ण शांति नू प्राप्त करन च। और जेकर तुसी इस पासे ध्यान दोगे ना कि कौन की कर रहा है, कौन की कह रहा है, तो फिर ये जिहड़ी शक्ति है ना, ये तुहाडी वो शक्ति बिखर जाएगी बाबा इन्हां चक्करां च। इसलिए जेकर पूर्ण शांति साईं लोग कहिंदे आ ना कि जे इंसान चाहुंदा है तो फिर अपनी शक्ति नूं इन्हां व्यर्थ दीआं गल्लां च, एवें पुठियां सिद्धियां गल्लां च जाया ना कर। याद रखना कि किसे दा घात करन वाला जिंदगी च कदे कामयाब नहीं हो सकता, कुछ पा नहीं सकता, ना दुनियावी रंग पक्षों ते ना इलाही रंग पक्षों। और जेकर देखिए तो अज हर इंसान किसी ना किसी का घात ही तो करन च लग्या होया है। अपनी ताकत नू किसी नू अपनी ताकत दे नाल किसी का घात ही तो करना चाहुंदा है, कोई किसी नू मारना चाहुंदा है, कोई किसी नू हरा देना चाहुंदा है, कोई किसी की नौकरी खोना चाहुंदा है, कोई किसी नू पिछे करना चाहुंदा है, मतलब कि एक दूजे नू बस सिटण च लगे हुए हैं, लत्तां खिंचण च लगे हुए हैं, दूजियां नू वेख वेख के जी रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जी कहदा रहे हैं दुखी हो जाते हैं और दूजियां नू वेख के खुश हो ही जाते हैं। देखो दूसरे नू वेख के जींदे आ, दूजे नू वेख के खुश हो ही जाते हैं, दूजे नू ही वेख के दुखी हो ही जाते हैं। देखो किड्डी वड्डी इंसान की मूर्खता ही है। अपने विच कोई रुचि नहीं रह गई कि मैं कित्थे हां, किथे, बस होरां दीआं गल्लां च समें व्यर्थ करदे रहणगे। हुण सन्यासी कौन हुंदा? सन्यासी जरा गौर करो कि सन्यासी कहिंदे फकीर है जी, असीं फकीर कौन हुंदा?
फकीर तो उही है ना जो कहता है कि मैं अपने निर्माण की खोज कर रहा। फकीर रूह की करती है, वह पूर्ण शांति लभदी है, और जो पूर्ण शांति पहुंच जाता है तो वह फकर हो जाता है। याद रखना, फकीर पूर्ण शांति लभदा है, और जो पूर्ण शांति मिलती है उसकी खोज कर लेता है ना, तो वह फकर हो जाता है। हुण वह खोज कर रहा है, तो मेरे निर्वाण का मतलब मेरी पूर्ण शांति, और इस शांति का जिस जगह पर जाके सुन हो जाता है, शून्य मिलता है, कोई विचार नहीं, तो कहिंदे ओ शांति का दूजिया नाल कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने अंदर देख रहा हाँ कि मेरे च कि ऐसी चीज़ है जो मैनू निर्वाण मतलब जो पूरी शांति हासिल नहीं हो दे रही। फकीर तो यही देखता है ना कि मेरी शांति क्यों नहीं मैनू प्राप्त हो रही, वो शांत ते मैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा जो मेरी असली थान है। सन्यासी इसे लिए है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि तुसी की कर रहे हैं, उस दे बारे की रे कह रहे हैं, तुसी केड़े उदे ते या तुसी केड़े उदे ते हैं, या तुहाडे कोल की है, तुसी उन्हें बुरा कह रहे हैं या भला कह रहे हैं। सन्यासी तो सीखने वाली गल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। सन्यासी नूं इस चीज़ ना कोई मतलब नहीं, सन्यासी नूं बस अपने नाल मतलब है कि अपनी पूर्ण शांति निराह तक पहुँचने नाल मतलब है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी नाल कि कौन उहदे बारे की कह रहा। हाँ, सरबत का भला जरूर मंगते हैं फकीर सन्यासी, ये दुनिया का भला ही मंगते हैं कि मालका सारी दुनिया नूं सही राह पाई। सन्यासी का किसी नाल कोई कॉम्पीटिशन नहीं है। हुण गल गौर नाल सुनना कि फकीर का किसी नाल कंपीटिशन नहीं है, वह अपनी जिंदगी नूं जर्नी समझता है, कंपीटिशन नहीं। इंसान जरूरी नहीं कि उन्हें चोला पाया है जंगलों जाके रह रहा है तो फकीर है, और जिहड़ा कंपीटिशन नहीं ना कर रहा, जिहड़ा इस जिंदगी नूं जर्नी दे वांगू जी रहा है, वह सन्यासी है, क्योंकि वह पूर्ण शांति दे वल जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं शांत हाँ, उन्हें कोई उकसा नहीं सकता। पर हुण अज इंसान की कर रहा है कि दूजे का भला नहीं होना चाहिए, उहदे भला ना होने के चक्कर च बेशक अपना बुरा हो जाए। उहदे लई भी एक गल है, जरा गौर करना, एक कहानी बनी है, कुछ कहानियां आउंदियां इंसान नूं सेध देण वास्ते, कि एक इंसान ने ना प्रभु दी ईश्वर दी परमात्मा दी बड़ी भगती कीती, बड़ी भगती कीती, और कहिंदे जदों परमात्मा उसदी भगती तों खुश होया ना, तां कहिंदे रब ने ना उहनूं दर्शन दित्ते और पुछया, हाँ भाई की चाहीदा है, जो मंगना है मंग, पर एक चीज़ याद रख कि जो भी तू मंगेगा तेरे तो दुगना, तेरे तो ज्यादा वो तेरे गवांडियां नू मिलेगा, आंढ गवांड नू मिलेगा। वो इंसान सी जो उसने जो ये गल सुनी तो सिर फड़ के बह गया कि किदां दा वरदान है कि बाबा जी, ये तो शराप ही है कि हुण जो मैनू मिलना है वह गवांडियां नू मेरे तो ज़्यादा ही मिलना है, ये की चक्कर है, उही चीज़ मिलनी है, तो यह किदां दा वरदान है, फिर मैं तो मंगूंगा की, आखिर इदां दा ही वरदान है तो मैं मंगूंगा की। आखिर तो उस वक्त परमात्मा ने कहा कि वह तेरी मर्जी है भाई, वह तू देख। परमात्मा ने कहा कि तू कहना है कि तू धार्मिक इंसान है, तो यही तो तेरी धार्मिक जिहड़ी होण दी पहचान होवेगी कि तैनू जो भी मिलेगा तेरे पड़ोसी नूं दुगना मिलेगा, आंढ गवांढ वालियां नूं दुगना मिलेगा। तू मंग जो मंगेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर तेरे पड़ोसियों नूं भी मिलेगा, तेरे आंढ गवांढ वालियां नूं भी दुगना मिलेगा। तो उस वक्त उस इंसान ने कहा कि प्रभु मैं तुहानूं किसे नाल सलाह करके दसदा हां। हुण उहने एक इंसान तों पुछिया, वह इंसान शायद वकील सी कोई सुप्रीम कोर्ट दा, कहिंदे उहने कहा पहला देख तां सही कि इहनूं मिलदा भी है कि नहीं, क्योंकि उहनूं थोड़ी यकीन होया कि इहनूं भगवान ने दर्शन दित्ते है। उह कहिंदा इह ते उहने मजाक कीता, कहिंदा चल तूं इह तां देख वी भला तैनूं मिलदा भी है कुछ कि नहीं। तो उह कहिंदा चल ठीक है, उह गया उहने भगवान नूं याद कीता, भगवान ने दुबारा दर्शन दित्ते, तां कहिंदे प्रभु मेरा 7 मंजिला मकान बन जावे। भगवान ने कहा ततास्तु, देखते ही देखते थोड़े समा गुजरिया, उहदा 7 मंजिला घर बन गया बाबा जी। पर कुछ समा होर गुजरिया तो देखते ही देखते जिहड़े आंढी गवांढी सी आला दुआला सी सारा, उहनां दे 14-14 मंजिली मकान बन गया, 14-14 मंजिली घर बन गए।
ਹੁਣ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ 14 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ 7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੂਹ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਟੋਇਆ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਖੂਹ ਬਣ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਬਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਸੇ ਵੰਡ ਜਵਾਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋਈ ਪਾਓਗੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਬਲੀ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੈਰਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ।